हेलो माई डियरेस्ट फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, जब से मेरा यूट्यूब चैनल है, लगभग 1.5 साल हो गया मेरे चैनल को, तब से आप में से बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। अब मैं फिज़िकली हर शहर में तो मैं जा करके पढ़ा नहीं सकता, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप हमको ऑनलाइन क्लास दे दो। तो दोस्तों, मेरा मन बन रहा है आपको ऑनलाइन क्लास देने का, क्योंकि अगर मेरे ऑनलाइन क्लासेस देने से आप सीख सकते हैं अच्छी इंग्लिश, तो मुझे ये काम शायद कर ही देना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यही बताने के लिए आया हूँ कि मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूँगा, और 2 कोर्सेज अभी मैं फ़िलहाल आपके सामने रख रहा हूँ, जिनको आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। पहला जो कोर्स है दोस्तों, ये कोर्सेज है, पहला कोर्स है स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश का, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। अच्छा, ये जो कोर्स होगा दोस्तों, ये 3 मंथ्स का कोर्स होगा, 3 महीने का। इसमें 5 डेज अ वीक हम क्लास करेंगे, सप्ताह में 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन, 1 आवर सेशन एवरी डे, मतलब 5 दिन जो हम क्लास करेंगे, मंडे टू फ्राइडे हम क्लास करेंगे, सैटरडे संडे की छुट्टी रखेंगे, और हर क्लास 1 घंटे की होगी। और इसमें जो मीडियम होगा पढ़ाई का, वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही होगा, जैसे सब लोगों को कन्वीनियंट होगा वैसे कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है मेरा, ये स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश है। मैंने सिर्फ स्पोकन इंग्लिश नहीं लिखा, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप मेरे पढ़ाने के तरीके से वाकिफ़ हैं, जो लोग मेरा चैनल आप में से जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं, आपको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मेरा तरीका है, मैं ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाता, रेडीमेड सेंटेंसेस बता दिए और कहा स्टूडेंट को कि इसकी प्रैक्टिस कर लो, तो वो तरीका कामयाब नहीं होता। एक्चुअली लॉन्ग रन में ये चीज़ें चलती नहीं है, ये तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, और अगर आप सही मायने में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपको एकदम क्लियरली पहले ही बता देता हूँ कि मेरा जो तरीका है वो मेहनत करने वाला तरीका है। हम इस कोर्स में सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे, सेंटेंसेस बनाना। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में ग्रामर के पॉइंट्स होते हैं, तो आपको ग्रामर के पॉइंट्स पढ़ने होंगे, जो मैं आपको इधर क्लास में बताऊँगा। फिर हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे, वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं सेंटेंस में, कोई वर्ड नाउन है तो उसका कैसे यूज़ उसको करेंगे सेंटेंस में, वही वर्ड या अगर कोई दूसरा वर्ड वर्ब है तो कैसे यूज़ होगा, अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो कैसे यूज़ होगा। ये एक आर्ट है, ये ज़रूर सीखना चाहिए हमको। ये नहीं जानने के कारण भी तो हम कई बार इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते या लिख नहीं पाते। तो इस कोर्स में आपको ये सारी बातें बताई जाएंगी कि एक वर्ड को कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। जो ग्रामर हम पढ़ेंगे वो कम्युनिकेटिव ग्रामर होगा, यानी ग्रामर को एप्लीकेशन के साथ समझेंगे कि ग्रामर का ये जो पॉइंट है या ये जो टॉपिक है, इसका इंग्लिश बोलने में क्या रोल है, ये हम सीखेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है, उन्हीं लोगों को इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए जो मेहनत कर सकते हैं और जो मेहनत करना चाहते हैं। जो ऊपर ऊपर से सीखना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स नहीं है, सॉरी। तो दोस्तों, ये एक कोर्स है। दूसरा कोर्स दोस्तों है वॉइस एंड एक्सेंट का कोर्स। ये वॉइस एंड एक्सेंट जो है, वॉइस एंड एक्सेंट में किसको एडमिशन लेना चाहिए? जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, जिनको ऑलरेडी इंग्लिश में लिखना बोलना आता है, लेकिन जो सिर्फ अपना एक्सेंट अच्छा करना चाहते हैं, यानी अपना प्रोनंसिएशन अच्छा करना चाहते हैं और प्रोनंसिएशन से जुड़ी हुई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए है। ये एडवांस्ड कोर्स है, ये 1 मंथ का कोर्स होगा, इसमें भी 5 डेज अ वीक क्लासेस होंगी, ये 1 आवर का एक सेशन होगा डेली, और इसमें जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। कभी कभार हिंदी रख सकते हैं, बट मोस्टली इसका जो मीडियम है वो इंग्लिश ही रहेगा, क्योंकि ये कोर्स ही वैसा है। तो दोस्तों, ये 2 कोर्सेज हैं। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हों मेरे साथ पढ़ाई करने में, इन कोर्सेज को ज्वाइन करने में, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जब मुझे आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, जब मुझे पता चलेगा कि आप सचमुच मुझे पढ़ना चाहते हैं सीरियसली, तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस प्रोसेस को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस वेबसाइट पे जाना है, कहाँ रजिस्टर करना है। मोस्टली टीचमेंट से करेंगे, ऐसा मैं अभी मान के चल रहा हूँ। तो आप अपना रिस्पांस मुझे बताइए, और फिर अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि हम कैसे इसमें आगे जा सकते हैं, इसको काम को हम कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये जो कोर्स है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तरीका बहुत ही मेहनत वाला है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।